में आज फिर हम लोग जो है अपने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जो है अपनी क्लास को लाइक शेयर जल्दी से कर दो, ताकि हम लोग जो है अपनी क्लास को रूटीनली जो है कर सके। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आ जाओ। कहाँ चल गए? हाँ जी, आओ फटाफट आओ और अपने स्क्रीन बोर्ड पर देखो अपने कौन से क्वेश्चंस क्या है, उसके आंसर क्या है। हम लोग जो है अपने जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उस एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग जो है कंटिन्यू सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग जो है इस जो अपने लाइव सेशन चलता है, इस क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करवाते हैं, आपको ये वीडियो जो है देखना बहुत मतलब फायदेमंद वाली बात होगी। क्योंकि इस जो अगर आप मान लो अगर आप लोग पढ़ाई भी नहीं करते और फिर अपने इस वीडियो को भी अगर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हो ना, तो ये समझो आपके लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है हो जाएगा। ओके वेरी गुड। ओके बिसल आर्मी सरवन राम, ओके तेज सिंह राठौर, सुभाष रवि कपूर, सुभाष आर्मी शैतान जोशी, बहुत अच्छा। आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। अब आप जल्दी से जल्दी जो है अपने इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन अपना है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैंने ये कई बार क्वेश्चन करवाया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ से आती है। सभी का आंसर जो है वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी का आंसर एकदम सही आया है, वाटर यानी कि जल। जल से जो है ये अपनी ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है। अब कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि 6CO2, यहां से मैं एक बार प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिख देता हूं, CO2+12H2O, और यहां से अपने क्या बनता है, एक अपने बनता है C6H12O6+6O2+6H2O। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो ऑक्सीजन जो निकली हुई है ना, ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकली है या जल से निकली है। तो एक बात ध्यान में रख लेना, जब कार्बोहाइड्रेट का जो विघटन होता है उस समय जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जब विघटन होता है तो हाइड्रेट का निर्माण होता है, और जब वाटर का जब जो है वो अपघटन होता है तो उस समय जो है वो अपने ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये चीज ध्यान में रख लेना। ओके प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये चीज ध्यान में रख लेना। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का जो विघटन होकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है, यह जो है ये अवायवीय श्वसन होता है, या फिर हम लोग अप्रकाशीय अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। आपको इतना डिटेल तो जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी से जो है वो ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट से जो है किसका निर्माण होता है, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड से जो है किसका निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ओके चलो ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वो देखो, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज आपको पता ही होगा ये क्या होगा, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पुरुष का एक्स, स्त्री का एक्स, पुरुष का एक्स, स्त्री का वाई, एंड पुरुष का वाई वो स्त्री का एक्स, तो बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। हाँ जी, कार्बन डाइ रवि कपूर कह रहे हैं कार्बन डाइ ऑक्साइड ग्लूकोज से आती है। हाँ, ग्लूकोज से आती नहीं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज आता है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऑक्सीजन वाटर से, हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज से, ग्लूकोज से जी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना उससे ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। रवि कपूर आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लिखने लिखने में थोड़ी सी आपके मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, चला देंगे हम लोग। ओके सुभाष आर्मी सी आंसर दे रहे हैं, सबसे पहले सुभाष ने जो है आंसर भेजा है इस क्वेश्चन का, सी,
बहुत अच्छा, यानी कि अपने पुरुष का जो है वो क्या होता है, वाई होता है, और स्त्री का क्या होता है, एक्स होता है। एक बात तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से ये पुरुष और ये हो गई अपनी महिला, तो यहाँ से एक बात तो कन्फर्म है कि पुरुष में एक्स और वाई ये गुणसूत्र होते हैं और महिला में जो है एक्स एक्स होता है। ये कौन से गुणसूत्र है, ये लिंगीय गुणसूत्र है, एक जोड़ी गुणसूत्र है। महिलाओं में ये लिंगीय गुणसूत्र कौन सा है, एक्स एक्स, और पुरुषों में जो है लिंगीय गुणसूत्र कौन सा है, तो एक्स वाई है, बराबर। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज यहां से ध्यान में रखना है, यहां से वाई और यहां से जब एक्स आता है, यानी कि एक्स और वाई ये चीज होती है, तब जाकर के किसका निर्माण होता है, तो लड़के का निर्माण होता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, यहां से भी एक्स और यहां से भी एक्स आएगी, यानी कि एक्स और एक्स, तब जाके किसकी बेबी यानी कि गर्ल्स का जो है वो क्या होगा, यहां से जन्म होगा, बराबर ना। तो ध्यान में रखना है, पुरुष से जब वाई होता है यानी एक्स वाई आता है तब लड़का, और एक्स एक्स होता है तब कौन सी होती है, लड़की होती है। ओके, यानी पुरुष का क्या हो जाता है वाई एंड स्त्री का क्या हो जाता है एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कुनैन प्राप्त होता है, तो जल्दी से प्राप्त अपने बताइए कौन सा आंसर जो है वो राइट होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी अपन को जो है ज्यादा सोचने वाला तो ये क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना, फिर भी आपको जो है जल्दी से इसका आंसर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भाई इसमें तो हम लोग जो है वो ऑप्शन काट कर भी इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। अब देखो कैसे, सीधी सी बात है कि कुनैन, अब पहली बात तो ये देख लेते कि इसका कुनैन का उपयोग कहाँ होता है, तो भाई कुनैन का उपयोग जो है वो मलेरिया रोग में होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मलेरिया रोग जो है क्या होता है, तो मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजुआ जनित रोग है। पहली बात तो ये हो गई, प्रोटोजुआ जनित रोग है कौन सा, मलेरिया। फिर सेकंड बात आती है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, एनाफिलीज मच्छर के, माना मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, बराबर। अब थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि जब मलेरिया हो जाता है तब क्या दिया जाता है, तो पेनिसिलियम की दवा दी जाती है, पेनिसिलियम। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, अब क्वेश्चन अपना ये है कि भाई ये पेनिसिलियम जो है ये कहां से, ये क्या चीज है, तो पेनिसिलियम जो होता है वो कवकों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ रहता है, तो ये यहाँ रहता है, कुनैन सिनकोना नामक छाल से जो है वो प्राप्त होती है। पेनिसिलियम जो है एक प्रकार की कुनैनी है जो कि सिनकोना नामक छाल से प्राप्त होती है, यहाँ से ये चीज ध्यान में रखनी है। यानी कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है, सिनकोना के छाल से, यानी पेनिसिलियम जो है वो कहाँ से, कुनैन, और कुनैन जो है वो अपने कौन सा, सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, ये चीज जो है ध्यान में रखनी है। ओके, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हाँ जी, मलेरिया में, बहुत अच्छा, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है सुरेंद्र, इंदिरा बालेसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या है, एक एंजाइम है, एक हार्मोन है, एक विटामिन है, या नमक का तेजाब है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। अब थायराइड ग्रंथि क्या है, तो एक प्रकार की जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब आपको इतना पता चल गया है तो ये बात भी आपको 100% पता होती है कि एक होती है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि और एक हमारे होती है बहिःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्राव को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, और बहिःस्रावी के स्त्राव को, बहिःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उसके स्त्राव को हम लोग जो है एंजाइम कहते हैं। अब सीधी सी बात है, आपको ये तो पता ही था कि भाई थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरोक्सिन निकलता है। थायराइड ग्रंथि एक प्रकार की क्या है, अपने गले में पाई जाती है, एच आकार में होती है, और ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सीधी सी बात है, क्या निकलेगी, हार्मोन्स निकलेगी। ठीक है, बहिःस्रावी ग्रंथि जो होती है उसके स्त्राव को एंजाइम कहते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथि कह सकता हूं मैं, स्वेद ग्रंथि कह सकता हूं,
अब आपको ये तो पता ही होगा, जैसे लार के द्वारा दो प्रकार के एंजाइम स्त्रावित होता है, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम, ये चीज आपको पता है बराबर ना। तो प्यारे विद्यार्थियों थायरोक्सिन एक क्या है, तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है, ये चीज आपको पता चल गई। ओके बहुत अच्छा, सभी का आंसर जो है वो राइट है बिल्कुल। कैल्शियम की मात्रा पूरी करता है, भाई कैल्शियम की मात्रा कौन पूरी करता है, भाई कैल्शियम की मात्रा तो जो है वो थायराइड ग्रंथि के ऊपर जो है वो पाई जाती है, कौन, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। तो प्यारे विद्यार्थियों पैराथायराइड ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है, यह ग्रंथि जो होती है वो कैल्शियम की मात्रा पर कंट्रोल करती है, लेकिन अपने थायराइड ग्रंथि जो होती है ना वो क्या करती है, वो जो है अपने शरीर में आयोडीन की मात्रा पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है, ये चीज ध्यान में रखना। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, वो देखो, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो भाई जल्दी से इसका आंसर दो, क्या आंसर होगा, हाइड्रोजन बम जो होता है ना वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी नाभिकीय विखंडन होगा, नाभिकीय संलयन होगा, या ये दोनों ही होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा, तो जल्दी से इसका आंसर भेजो क्या होगा। नलिका विहीन, हाँ शैतान सिंह जोशी, बहुत अच्छा, आप जो है बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, नलिका विहीन होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां और नलिका युक्त होती है बहिःस्रावी ग्रंथियां, बहुत अच्छा। सुभाष आर्मी ने सबसे पहले आंसर भेजा है ए आंसर अपना इसका, वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का आंसर, हालांकि मैं किसी के नाम नहीं बोल रहा हूं लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आप सभी के आंसर जो है एकदम सही आंसर आ रहा है। ओके तेज सिंह राठौर, रंजेश सिंह चंदावत, मुकेश अंबानी, अरे मुकेश अंबानी ए आंसर भेज रहा है, रवि कपूर, रंजीत सिंह चंदावत, शैतान जोशी, सुरेंद्र, इंदा बालेसर, वीरेंद्र सिंह, तेजा पवार, एट द रेट अभी विशाल आर्मी। ओके बहुत अच्छा, तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी ने एकदम सही आंसर भेजे हैं, ठीक है। अगर मैं किसी का नाम नहीं बोल पाता हूँ तो आप ध्यान में रख लेना, सर अभी जो है अपने क्या है शॉर्ट टाइम में जो है मैक्सिमम चीजें बतानी होती है, ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बात ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है ना वो नाभिकीय संलयन विधि पर कार्य करता है। एक बात ध्यान में रखनी है, हमें ये चीज समझनी है, ये क्या चीज समझनी है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में एक ये कंफ्यूज दूर करना है कि जहां जहां अपने नाम में या हमें यह पता है कि वहां पर हाइड्रोजन होता है वहां पर हमेशा ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगी, और जहां पर हमें पता है कि वहां हाइड्रोजन नहीं है, और अगर नहीं पता है तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि वहां हाइड्रोजन नाम में भी नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता तो नहीं है कि वहां हाइड्रोजन है या नहीं है, लेकिन उसके नाम में, जैसे कि हाइड्रोजन बम है, अब हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है, कभी कभार रह जाता है, ठीक है ना, नाम बड़े और दर्शन होते हैं, यानी कि नाम तो हाइड्रोजन दे रखा है लेकिन उसमें हाइड्रोजन है नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ध्यान में रखना है कि जब भी किसी के नाम में हाइड्रोजन हो या हम लोगों को पता है कि वहां पर हाइड्रोजन है, तब हमेशा ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगी। जैसे कि हाइड्रोजन बम, इसमें हाइड्रोजन नाम आ रखा है तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, नाभिकीय संलयन। जैसे कि सूर्य, अब आपको पता ही है सूर्य तारे, अब इसके नाम में तो जो है हाइड्रोजन आ नहीं रहा है, अब क्वेश्चन ये आता है तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन की सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो सूर्य और तारों पर पाई जाती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो सबसे हल्का तत्व जो है वो अपना हाइड्रोजन है, और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो वो अपनी हीलियम होती है, ये चीज तो ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन, जहां पे हाइड्रोजन नहीं है वहां पे सीधी सी बात है कौन सा हो जाता है, नाभिकीय विखंडन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कह दूं परमाणु बम, अब आपको पता होगा कि परमाणु बम में, कि भाई परमाणु बम में जो है हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है, हम लोगों को नहीं पता होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब ये तो बात कन्फर्म होगी कि हमें पता नहीं है, कि ये एक कंडीशन तो खत्म हुई, ठीक है। दूसरी कंडीशन, क्या इसके नाम में हाइड्रोजन आ रहा है, जी बिल्कुल नहीं आ रहा है। ज्यादा हम लोगों को डेड होशियार नहीं बनना है कि नाम में तो नहीं आ रहा, क्या पता उसके अंतर्गत हो जाए, ये क्या पता वाला नहीं, या तो नाम में होना चाहिए या फिर हमें पता होना चाहिए 100% होता है,
तब भी हमें उसका आंसर नाभिकीय संलयन देना है, वरना सीधा सीधा हम लोगों को जो है यहाँ पे क्या देना है, नाभिकीय विखंडन देना है, बराबर ना। ओके, समझ में आया ना, नाभिकीय विखंडन इसका आंसर होगा। ओके, तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, भाई जल्दी से बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की है, जल्दी से बताओ किसने की है इलेक्ट्रॉन की खोज, थॉमसन ने की, जेम्स वाट्स ने की, गैलीलियो ने की या फिर रदरफोर्ड ने की, जल्दी से बताओ। ओके, ओके, हाँ जी बिल्कुल, जय हिंद लिखमाराम, ओके सैदरा आर्मी लवर, ओके भाई जय हिंद, जय हिंद। लेट आया है आज भाई, जल्दी आया करो, लेट क्यों आ रहे हो। ओके, सभी के आंसर ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की है, जीजे थॉमसन ने की है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। रंजीत सिंह चंदावत, वीरेंद्र सिंह वीरसा, शैतान सिंह, मुकेश अंबानी, ओके तेजा कुमार, ओके भाई लिखमा राम, ओके सुरेंद्र इंदा बालेसर, तेज सिंह, विशाल आर्मी, वेरी गुड, एट द रेट अवि लिखमा राम सेत्रवा, रवि कपूर, ओके माइकल जॉइन, सुभाष आर्मी, ओके वेरी गुड। तो भाई इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे जे थॉमसन ने की थी, और कब की थी, तो सन 1900 इलेक्ट्रॉन की खोज हम लोग यह कह देंगे कि इसकी खोज जो है सन 1800 सदी में हुई थी, बराबर ना, ये चीज जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। और गैलीलियो, रदरफोर्ड और इनके बारे में तो आप लोग जानते ही हो, बहुत चर्चित ये साइंटिस्ट है गैलीलियो, आपको पता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो कहते हैं, रदरफोर्ड ने जो है नाभिक के जो है अपने परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी, ये तो बहुत चर्चित है। इनके बारे में अगर हम लोग जो है अगर व्याख्या करने बैठे ना तो दिन से रात हो जाएगी, क्योंकि ये इन्होंने काम ही है, बड़े बड़े काम किए। ओके, तो इनके बारे में तो नहीं, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके बारे में समझो कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की, जे जे थॉमसन ने की थी, और इसके ऊपर जो होता है वो हमेशा ही नेगेटिव चार्जिंग होता है, और जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्जिंग आ जाता है तब इसको इलेक्ट्रॉन ना करके के हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, ये चीज जो है ध्यान में रखना। तो प्यारे विद्यार्थियों, और पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो सीडी एंड्रयूसन ने की थी, सीडी एंड्रयूसन ये इसने की थी, बराबर ना। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, तो भाई जल्दी से बताओ कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, भाई जल्दी से जल्दी भेजो, प्रोटीन, सेलुलोज, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। ओके शिवम कुमार नेगेटिव, बहुत अच्छा, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव, एंडरसन बहुत अच्छा, वेरी गुड, ओके हाँ जी, ओके बहुत, अरे आप सभी को पता है, आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ आप सबको जो है, अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन तो आप मुझे पता है आप लोग जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी की पूरी गाथा लिख दोगे, अरे इतने तो मुझे पता है, आप मेरे स्टूडेंट हो, बहुत होशियार स्टूडेंट हो, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है, ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से पृथ्वी पर जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो है कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां से हमें एक चीज ये समझनी है कि एक अपने होता है अकार्बनिक पदार्थ, एक अकार्बनिक पदार्थ ध्यान में रख लेना, कई बार हम लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, तो एक अकार्बनिक पदार्थ और एक अपने पास में होता है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है कार्बनिक पदार्थ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना वो कौन से होते हैं, वो ये होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे के सारे क्या होते हैं अपने अपने कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ की अगर मैं बात करता हूं तो अकार्बनिक पदार्थ में जैसे कि अपने कार्बन है, ओलिफोर कार्बन, कार्बन है,
नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। ओके, हम लोगों को क्या पूछा है, कार्बनिक पदार्थ। अब सीधी सी बात है, हमें इनके बारे में ही सोचना है, अब हमें यहां नहीं जाना है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। कभी कभार मान लो यहां पर ये ऑप्शन ये आ जाता है कि भाई यहां से एक चीज मुझे ये बताओ कि कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, यहां से हम लोगों ने दे दिया कि ऑक्सीजन, ध्यान में रखना। अब क्या है, ऑक्सीजन तो तत्व जो होता है वो अपने शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ है, ये चीज ध्यान में रखनी, ठीक है ना। तो यहां से अपना जो है आंसर क्या आता है, यहां से सबसे ज्यादा आता है न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ना वो सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ओके, ओके भाई, वाटर भी, वाटर भी क्या कर रहे हो, हाँ भाई ऑक्सीजन 65%, हाँ भाई अब देख लो, ठीक है ना। एक बात ध्यान में रख लेना, रफेज, यहां पे रफेज भी होता है, ठीक है ना, जो भी अपने क्या होता है अकार्बनिक, यानी कि उसमें सेलुलोज, तो यहां से अपने न्यूक्लिक अम्ल होगा, ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के बाद में जो है सेकेंड नंबर पे आता है सेलुलोज। ओके, समझ में आया, आप सभी ने जो है वो बीबी आंसर दिया था। ओके बिसल आर्मी, आप सभी ने भाई रट्टा मारी मत करो रे, रट्टा मारी क्यों कर रहे हो, न्यूक्लिक अम्ल होगा सबसे ज्यादा, ठीक है ना भाई। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल आपको पता ही होगा, डीएनए आरएनए जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एक कोशिका में, सीधी सी बात है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, अगर हम लोग अपने शरीर की बात करते हैं, अपने शरीर की, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने शरीर में सबसे ज्यादा कोशिकाएं होती है। ओके, और कोशिका में तो क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो सीधी सी बात है न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक हो गई। अगर मैं पौधों की बात करता हूं तो पौधे भी जो है वो सेल्स से बने होते हैं, और प्रत्येक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, लेकिन प्रत्येक सेल में हम लोग ये नहीं कह सकते कि उसमें सेलुलोज होता है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रख लेना, बराबर ना, यस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ये दो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। अब इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना, फिर भी हम लोग देख लेते हैं भाई। ओके, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो सीधी सी बात है, अभी हम लोग अभी दो क्वेश्चन पहले ही हम लोगों ने चर्चा की थी, इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्जिंग होता है, और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी, बराबर ना। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है भाई, हाँ जी, ये क्वेश्चन सही है, ऋण आवेश। आगे देखो, निम्न में से कौन सा आवेश रहित है, अब इसमें भी मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं भाई, ठीक है ना, फटाफट बता देता हूं इसका आंसर भी भाई। इलेक्ट्रॉन पर अभी आपने देखा था नेगेटिव चार्जिंग होता है, प्रोटीन पर, प्रोटीन तो कुछ होता ही नहीं, प्रोटॉन होता है भाई, यहां से कुछ मिस्टेक हो गई होगी लिखने में, प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन पर आपको पता है क्या होता है, प्लस होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश रहित होता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवेश रहित कौन सा है, तो आवेश रहित अपना न्यूट्रॉन होगा, राइट है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो, एक गैलन में जो है वो कितने लीटर होते हैं, ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, ये हम लोगों ने जो है कल नहीं परसों किया था ये क्वेश्चन सेम, ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में देना है आपको, जब अपना ये अपने वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। ये क्वेश्चन नंबर है अपने 11, आपको 11 नंबर लगा करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, बराबर ना। ओके, आगे चलते हैं, भोपाल त्रासदी में निकलने वाली गैस कौन सी थी, तो भाई जल्दी से बताओ भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस जो थी। ओके, हाँ जी, भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस थी, तो भाई सीधी सी बात है, भोपाल त्रासदी के अंतर्गत MIC,
मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्यारे विद्यार्थियों, यह घटना जो हुई थी वो 1984 में एमपी भोपाल में हुई थी, इसलिए इसको हम लोग जो है भोपाल त्रासदी वाली गैस भी इसको कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश भोपाल, 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC और भोपाल त्रासदी वाली ये गैस है, ठीक है। ये बहुत बड़ी जो मतलब उस सदी की ये सबसे खतरनाक जो है घटना थी, बहुत अत्यधिक लोगों की जो है वहां पे मौत हो गई थी इस गैस के कारण, ठीक है ना, इसलिए इसको भोपाल त्रासदी वाली गैस कहते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाइयों, फाइज़िन जो होती है ना, ये ध्यान में रखना, फाइज़िन जो गैस होती है, ये इस गैस का उपयोग भी हम लोग जो है करते हैं, जहरीली गैस है ये गैस, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों ने जो है इसका उपयोग किया था, प्रथम विश्व युद्ध में जो है वहां हम लोगों ने तो कैसे किया था उसके आपको बताइए कि अपने किस प्रथम विश्व युद्ध में जो है सैनिकों के द्वारा किया था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरंजक सूरण, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। बराबर ना, ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। भाई इसमें भी तो कुछ ज्यादा है नहीं, सोचने वाली तो बात है नहीं कि भोर का तारा, क्योंकि ये कल क्वेश्चन आया था एक और। भोर का तारा, सुबह का तारा, ठीक है, किसको बोला जाता है, शुक्र को बोलते हैं, सबसे चमकीला तारा, एक बात ध्यान में रख लेना, सबसे चमकीला तारा, ये चीज भी एक बात ध्यान में रख लेना, सबसे चमकीला, अगर वो तारे की देखो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो अब हम लोग कह देते हैं शुक्र, अगर तारा नाम आ जाए ना तो वो कौन सा होता है, साइरस होता है, ध्यान में रख लेना सबसे, कि सुबह का तारा कौन सा होता है, भाई यहां से सबसे ये मैं नहीं लिखूंगा, यहां से अपने ये कह देते हैं सुबह का तारा, ये मैं कह देता हूं सुबह का तारा, संध्या का तारा, सुबह का तारा, भोर का तारा, तो ध्यान में रख लेना, तारा ये ग्रह है, बस इसका एक उपनाम है, तारे अलग चीज होते हैं, तारे और ग्रह में, शुक्र क्या है, ग्रह है, और तारे क्या होता है, सूर्य होते हैं, सूर्य ऐसे इस तरीके से तारे, तारे की डेफिनेशन होती है कि जो वे पदार्थ जो अपने स्वयं का जो है वो क्या होता है, प्रकाश होता है, वो क्या होता है, अपने तारे होते हैं, जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं ना वो तारे नहीं होता है, जैसे कि चंद्रमा जो है आपको पता है पृथ्वी से चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो तारा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का कोई प्रकाश ही नहीं है, सूर्य का अपना एक स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए सूर्य क्या है, तारा है, इसी प्रकार से सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, तो वो है अपना साइरस होता है, ठीक है। और हम लोग और शुक्र को क्या बोल सकते हैं भाई, और हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहिन भी कह सकते हैं, भगिनी, कि पृथ्वी की भगिनी कौन है, तो वो भी अपने कौन सा है, शुक्र ही होगा, राइट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है, तो ये चीज ध्यान में रख लेना, सदिश राशि एक अदिश राशि है, ये भी अपन को है, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। मॉर्निंग स्टार, हाँ जी बिल्कुल साइरस, सन एक ही है सर, सन एक ही है, सन भाई सन क्या एक है, सूर्य, सूर्य जैसे तो अपने ब्रह्मांड में बहुत सारे हैं, ठीक है, ओके यस, बहुत अच्छा, यानी कि एक क्या है भाई, सीधी सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि है, ओके ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है, ये क्या है, सदिश राशि है, ओके आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल, उष्मा का एसआई में मात्र क्या होता है, तो भाई ये सभी आप लोगों को जो है पता है, उष्मा का एसआई में मात्र क्या होता है, तो वो चीज देखो, उष्मा का एसआई में मात्र क्या होता है, तो उष्मा का आपको पता ही है जूल होता है, ठीक है ना, कार्य का मात्र क्या होता है, जूल,
और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा किसका होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा होती है। वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है, ओके। और जूल जो होती है वो ऊष्मा की मात्रक होती है, कार्य का भी मात्रक जूल होती है, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना, ऊर्जा, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रख लेना, कार्य ऊर्जा ये इसकी भी मात्रक अपने क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी अपने क्या होता है, कार्य ऊर्जा और जूल इन सभी का मात्रक क्या होता है, जूल, अपने जूल, कार्य देखो, कार्य ऊर्जा और उष्मा इन तीनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये चीज ध्यान में रख लेना, इन तीनों का मात्रक हम लोग क्या बोल देंगे, ये जूल कह देंगे, ठीक है ना, किस किस तीनों का, उष्मा का, ऊर्जा का और कार्य, इन तीनों का मात्रक क्या होता है, अपने जूल होता है, ओके ओके विद्यार्थियों, ओके। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे पूरे होते हैं। आज का सेशन आपको जो है कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, जब अपना वीडियो खत्म हुए तब, ओके। तो आज सभी से निवेदन है कि अपने सत्य केतु डिफेंस एकेडमी के जितने भी सारे वो चल रहे हैं, अपने लाइव सेशन चल रहा है, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे ऐप हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी से आप लोग जो है आप जुड़ जाना, क्योंकि आपको जो है सारे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पर मिलेंगे, अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी सारी सूचनाएं होगी वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी, ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी अपने YouTube चैनल को, सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के जो YouTube चैनल है उसको भी आपको जो है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ओके। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।